हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ठंड पड़ते ही सब लोगों को सर्दी और खांसी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ काढ़ा की रेसिपी। इसको आप सुबह और शाम अगर दोनों वक्त लेंगे तो आपको सर्दी और खांसी में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरा गला खराब है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। काढ़ा बनाने के लिए पहले हमें 2 ग्लास पानी चाहिए। आप अपने हिसाब से यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे लौंग, इलायची और तेजपत्ता। आप चाहे तो इसमें दालचीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे अदरक। आप चाहे तो यहाँ पर अदरक का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे तुलसी के पत्ते। इसके बाद इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। इसके बाद इसमें डालेंगे गुड़। आपके पास अगर गुड़ नहीं है तो आप इसके जगह पर चीनी का इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाय के पत्ते। अब इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से उबालेंगे। अब इसको गर्मा गर्म पीजिए, इससे आपको सर्दी और खांसी में बहुत ही रिलीफ मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।